बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। फाटफ का एक इजलास 22 से 25 फरवरी के दौरान जायजे के लिए हुआ। इस इजलास में उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों की कारकर्दगी का जायजा लेना होता है। कोरोना वायरस की वजह से ये दूसरा या तीसरा इजलास था जो कि वर्चुअल हुआ, और इसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया कि पाकिस्तान ने अब तक जो उसको आहदाफ दिए गए थे उन पर कितनी पेशरफ्त की है और कितनों को मुकम्मल कर लिया है। इस पर बात करेंगे कि फटाफ ने पाकिस्तान के लिए अब क्या फैसला किया है और नेक्स्ट पाकिस्तान के लिए क्या तवक्कुआत हैं, बेहतरी की उम्मीदें हैं। ये भी बताएंगे कि इंडियन मीडिया ने और इंडिया ने किस तरह पाकिस्तान को फटाफ की ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए कोशिशें की। ये भी आपको बताएंगे कि अली वजीर जिनके लिए हामिद मीर बात कर रहे हैं वो हैं कौन और उनको किसने गिरफ्तार कर रखा है। इसके अलावा कश्मीर में मजीद दो कश्मीरी नौजवानों को इंडियन फौज ने मकबूजा कश्मीर में शहीद किया है एक जैली और फेक इनकाउंटर के दौरान, तो उस पर भी बात करेंगे। इससे पहले कि हम इन तमाम चीज़ों का तजिया करें, आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल फैक्ट्स प्लस टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं ताकि आप तक आने वाली हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन भी पहुंचते रहें। सबसे पहले देखते हैं अली वजीर के मामले को। अली वजीर कराची पुलिस ने गिरफ्तार किया और वो इस वक्त कराची की सेंट्रल जेल में मौजूद हैं। इनको कराची पुलिस ने गिरफ्तार किया, मगर हामिद मीर साहब और उनके वो तमाम सहाफ़ी जो पाकिस्तान फौज को अपना दुश्मन समझते हैं और पाकिस्तान फौज के खिलाफ कोई बुग्ज़ रखते हैं, अनाद रखते हैं, वो ये जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान फौज के ईमा पर गिरफ्तार किया गया है। अब अली वजीर को जिस पुलिस ने गिरफ्तार किया ये कोई आम पुलिस नहीं है, ये सूबे सिंध की पुलिस है और उनके आईजी और दीगर पुलिस के आला अफसरान उस वक्त इस्तीफे देने पर मजबूर हो गए थे जब उनसे जबरदस्ती कैप्टन सफदर के खिलाफ कार्रवाई करवाने की कोशिश की थी। जब कैप्टन सफदर ने कायदे आजम मोहम्मद जिनाह के मिजाज की बेहरमती की, वहां पर सियासी नारे लगाए और हुल्लड़बाजी की, तो ये वो पुलिस है जो किसी के दबाव में नहीं आती और सिर्फ वही काम करती है जो आईन के मुताबिक होता है, कानून के मुताबिक होता है, बकौल उनके, क्योंकि उन्होंने इसलिए इस्तीफे दिए थे और लंबी छुट्टियों की दरख्वास्त भी की थी। लेकिन बाद में आर्मी चीफ ने जब बिलावल को फ़ोन किया तो उनके इस्तीफे भी वापस हो गए और लंबी छुट्टियों की दरख्वास्तें भी वापस चली गई। यानी ये वो सिंध पुलिस है जो सिर्फ वही करती है जो कानून इजाज़त देता है, वरना वो कायदे आजम के मज़ार की बेहुरमती पर भी टस से मस ना हुए और अगर उन्हें किसी ने ज़बरदस्ती ड्यूटी करने पर मजबूर किया तो उन्होंने लंबी छुट्टियों की दरख्वास्तें दे दी, इस्तीफे देने की धमकियां दे दी। तो ये उस सिंध पुलिस ने अली वजीर को गिरफ्तार किया है, पाकिस्तान आर्मी ने नहीं गिरफ्तार किया, ना ही रेंजर ने गिरफ्तार किया। तो आपको ये जरा पता होना चाहिए कि अली वजीर को गिरफ्तार किसने किया है। और ये साथ में हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एक अली वजीर की जिसमें मोहसिन दावड़ भी मौजूद है और वो अफगानिस्तान काबल में NDS वालों से मिल रहे हैं। अपने मुल्क की फौज से इतनी नफरत के कहते हैं जो तुम बाढ़ लगा रहे हो अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर, उसी बाढ़ की तारों से तुम्हें मारेंगे और उन्हीं से लटकाकर तुम्हें कत्ल करेंगे, आप तुम्हारे मोर्चों में घुसकर तुम्हें मारेंगे। लेकिन NDS वालों से बड़ी मोहब्बत है। अभी देखिए कितने खुश हो कि उनसे मिल रहे हैं ये अली वजीर साहब और मोहसिन दावड़ साहब भी यहाँ मौजूद हैं और हामिद मीर और वो सहाफ़ी जो पाकिस्तान के सहाफ़ी कहलाते हैं वो इनकी कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। ये बड़ी अजीब बात है, काबिले गौर बात है कि हामिद मीर जैसे सहाफ़ी जो ख़ुद को पाकिस्तान का बहुत बड़ा मुहिब वतन नाम समझते हैं वो इन जैसे लोगों के लिए बात कर रहे हैं। हामिद मीर ने अली वजीर की रिहाई के लिए एक ट्वीट किया है, किसी ने ट्वीट किया उस पर उन्होंने रीट्वीट किया कि अली वजीर को रिहा होना चाहिए क्योंकि अली वजीर और इन जैसे और बहुत से लोगों पर रियासत जो है वो बगावत के मुकदमे कायम कर रही है और ये अब बगावत के खिताब देने का सिलसिला बंद किया जाना चाहिए। इसके अलावा हामिद मीर ने यह भी कहा कि हबीब जालिब को, फैज़ अहमद फैज़ को, नवाज शरीफ को, अल्ताफ हुसैन को, बेनज़ीर को और बहुत से लोगों के भी नाम उन्होंने बताए कि उनको लोगों की तरफ से बागी या बगावत के खिताबात दिए गए। अब ये बगावत की सनदें बांटने का सिलसिला बंद किया जाना चाहिए।
अब 8 मार्च आने वाली है, करीब ही है, तो फिर वही औरत मार्च, मेरा जिस्म मेरी मर्जी और मोमबत्ती माफिया निकल आएंगे, जो पाकिस्तान की औरतों को बदराह करने की कोशिश करेंगे। ये अली वजीर, मोहसिन दावर, हामिद मीर, ये सलीम साफी, ये सब इन्हीं के साथी हैं, इन्हीं को सपोर्ट करते हैं। हम हामिद मीर साहब से, मोहसिन दावर से, अली वजीर से, मंजूर पश्तीन से और दीगर लोग जो मेरा जैसा मेरी मर्जी वालों को सपोर्ट करते हैं, उनसे ये इल्तजा करते हैं कि कश्मीर में भी लोग बसते हैं जिस पर इंडिया ने कब्जा कर रखा है। वहां पर आए रोज लोगों को बेगुनाह शहीद किया जा रहा है, नौजवान उठाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में जो लोग लापता हैं, हमें उनके दुख का एहसास है, वो हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं। मगर जो कश्मीर में लापता हो रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर, जिन्हें इंडियन आर्मी लापता कर रही है, उन पर आप क्यों नहीं बात करते? उनके लिए भी तो आवाज उठाएं ना। बलूचिस्तान के लोगों को जो वहां लापता हो रहे हैं या लापता हो चुके, उनका भी अता पता लगना चाहिए। लेकिन DGISPR ने परसों तमाम तफसील बताई है और उन्होंने बताया है कि कोई 200-300 केसेस रह गए, बाकी सारे साल्व हो चुके हैं और अक्सर की हकीकत सामने आ चुकी है। जब बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर कोई हमला होता है या अफगानिस्तान से आकर कोई हमला करता है बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के इदारों पर, तो उनमें जो मारे जाने वाले अफराद होते हैं, अक्सर वो वही निकलते हैं जिन्हें लापता अफराद की लिस्ट में डलवाया जाता है। इस पर अब DGISPR ने एक बयान जारी किया है कि बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है और बहुत जल्द इनका मसला हल हो जाएगा। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप कश्मीर में जो इंडियन फौज रोजाना की बुनियाद पर बच्चे लापता कर रही है, नौजवान, बुजुर्ग, सहाफी, डॉक्टर्स, उनके लिए भी आवाज उठाएं ताकि उनकी गुमशुदगी को भी खत्म किया जा सके और उनको भी उनके हकूक मिल सके, क्योंकि दुनिया कश्मीर में इंडिया की ऐनक से हालात को देखती है, हकीकत की ऐनक से नहीं देखती। पाकिस्तान में कहीं भी कोई मसला हो, इंटरनेशनल मीडिया को और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को वहां ले जाता है और वो आजादाना वहां पे रिपोर्ट्स बनाते हैं। मगर कश्मीर जिस पर इंडिया ने कब्जा कर रखा है गासिबाना, उसमें ना तो वो इंटरनेशनल मीडिया को जाने देता है ना इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को जाने देता है। वहां पर कोई आवाज नहीं उठाता आजादी इजहार राय के लिए, वहां पर कोई नहीं बोलता। अब तो बर्तानिया और अमेरिका के बड़े बड़े थिंक टैंक्स भी ये कहने लगे हैं कि इंडिया ने कश्मीर में लोगों के हकूक गसब कर रखे हैं, वहां पर इंडियन फौज इंसानी हकूक की बहुत बड़ी संगीन खिलाफ वर्जियों की मुर्तकिब हो रही है और वहां पर इंटरनेट सर्विस और दीगर ज़राए अबलाग की सहूलतें मुअत्तल हैं। मगर दुनिया टस से मस नहीं होती, ना अमेरिका को नजर आता है, ना बर्तानिया को नजर आता है, ना फ्रांस को नजर आता है, ना अक़वामे मुत्तहिदा देखती है, क्योंकि वो इंडिया के अनक से हालात को देखते हैं। मगर हकायक तो सामने आने हैं और एक दिन जरूर आएंगे और इंशाल्लाह कश्मीरियों को उनके हकूक जरूर मिलेंगे, क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के मामलात पर बहुत ज्यादा मुज़ाहमत मिल रही है, क्योंकि इंडिया कश्मीर के हालात से लोगों और दुनिया की तवज्जो हटवाने में नाकाम रहा है। इसलिए इंडिया लॉबिंग करता है कि किसी तरह पाकिस्तान को फटाफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल करवा लिया जाए। इसमें इंडिया का साथ कौन देते हैं? फ्रांस देता है, इजराइल देता है, जबकि अमेरिका भी कुछ हद तक ये चाहता है कि इंडिया का साथ दिया जाए ताकि पाकिस्तान पर एक दबाव बनाया जा सके और बरकरार रखा जा सके। लेकिन इसमें उनको ये नाकामी इसलिए होती है कि पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे ताकतवर ममालिक भी हैं जो इसको मानते ही नहीं है, फैटफ को, टेरर फाइनेंसिंग का ये जो इदारा है वो इसकी रिपोर्ट्स को ना मानते हैं ना इसे मानते हैं, जिनमें जो सबसे बड़ी पावर है वो है चाइना। फैटफ की ग्रे लिस्ट में रहने के भी कुछ नुकसान हैं, और जब कोई मुल्क ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो उसके बहुत ज्यादा नुकसान हैं, जैसे पाकिस्तान जैसे ममालिक जिनको बैरूनी इमदाद लेनी पड़ती है, उनके लिए ये नुकसान है कि उन्हें फिर कोई भी बैरूनी दुनिया से कर्ज नहीं मिल सकता, इमदाद लोन नहीं मिल सकता, और इसके कवानीन भी उन्होंने अपनी मर्जी से बनाए हुए हैं। जिनके वो ज्यादा फंसाना हो उनके लिए मुख्तलिफ शरायत, जिनको ना फंसाना हो वो जो करते फिरें कोई शर्त नहीं वो ठीक है, और जिनको बिल्कुल ब्लैक लिस्ट करना हो तो उनके लिए ऐसी शरायत रख दें कि जो बिल्कुल पूरी ना हो सके, जैसे जनूबी कोरिया और ईरान के लिए रखी और वो ब्लैकलिस्ट हो गए। तो पाकिस्तान के लिए फटाफ ने जो 27 डायमीटर्स सिलेक्ट किए थे कि ये काम जो है आपको करने हैं और इन कामों के बाद आप ग्रे लिस्ट से निकल आएंगे और वाइट लिस्ट में आ सकते हैं, तो अब फटाफ के जो सदर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाजे तौर पर कहा है कि पाकिस्तान ने 27 में से 24 नुकात पर मुकम्मल तौर पर
अमल कर दिया है और बेहतरीन अमल किया है। अब जो अप्रैल में इजलास होगा उसमें पाकिस्तान जेरे गौर नहीं आएगा। जून तक पाकिस्तान फाटफ की ग्रे लिस्ट में रहेगा और जून के इजलास में इस बात पर गौर किया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से दोबारा वाइट लिस्ट में लाया जाए। और इसमें पाकिस्तान की इमदाद तुर्की ने की, अब सऊदी अरेबिया और यूएई ने इस मरतबा पाकिस्तान को इमदाद दी है। जो इंडिया ने प्रोपेगंडा किया हुआ था कि अब यूएई और सऊदीया पाकिस्तान से हट गए, तो इस फाटफ इजलास में उनकी इमदाद मिलने से पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा हुआ है। और ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान को जून तक के लिए फाटफ ने ये टाइम दिया है कि वो जो बकिया तीन नुकात हैं उन पर भी जून तक अमल दरामद कर लें। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ब्लैक लिस्ट होने का कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि 27 में से 24 नुकात हमने मुकम्मल कर लिए हैं। कल जब फाटफ के सदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवालात के जवाब दे रहे थे, तो इंडियन मीडिया ने बहुत कोशिश की कि वो पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी न्यूज़ ले लें जिससे वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगंडा कर सकें, मगर उनको ऐसा कुछ ना मिला। बल्कि प्रेसिडेंट जो थे फाटफ के, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मजीद पाकिस्तान के बारे में ऐसा कोई सवाल किया तो प्रेस ब्रीफिंग ख़त्म कर दी जाएगी। मतलब पाकिस्तान अब ग्रे लिस्ट से बाहर जल्द ही आने वाला है और जून के इजलास में इंशाल्लाह पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ जाएगा। जो इंडिया, फ्रांस और इसराइल ने मिलकर एक लॉबी बनाई थी और लॉबिंग की थी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए, वो नाकाम हुई और पाकिस्तान को फतह हुई। और फिर इस पर इंडियन मीडिया ने ये हेडलाइंस लगाई कि पाकिस्तान एक बार फिर ग्रे लिस्ट से निकलने में नाकाम रहा। ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट करवाने में नाकाम रहे। तो फाटफ के सदर ने जैसे कहा कि जून तक पाकिस्तान तमाम नुकात पर कामयाबी से अमल कर लेगा और पाकिस्तान जून के इजलास में उम्मीद है कि ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट होने के अब कोई इम्कानात नहीं है। मतलब हम ब्लैक लिस्ट नहीं हो रहे। ये पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आएंगी। अब तक के लिए इतना ही। आप अपना, अपने घर वालों, दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।